हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोग जो अमेंडमेंट्स थे उनके बारे में पढ़ रहे थे। हमने कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में बात करी थी। वही टॉपिक अभी हमारा कंटिन्यू है। अब हम जो अमेंडमेंट देख रहे हैं वो है 24th अमेंडमेंट एक्ट है, 1971 में ये हुआ था। एंड इसमें जो अमेंडमेंट हुआ था वो ये था, द प्रेसिडेंट असेसेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वॉज मेड कंपल्सरी। मीन्स प्रेसिडेंट का असेसेंट कंपल्सरी है, मतलब किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को अगर राज्यसभा या लोकसभा में लाया जाता है, दोनों में से किसी भी हाउस में लाया जाता है, तो उसके लिए प्रेसिडेंट की परमिशन कंपलसरी होगी। ये चीज़ इस अमेंडमेंट में लाई गई थी। इसके बाद हुआ था 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971। जो लिया इसमें जो चेंजेस हुए थे या जो अमेंड हुआ था वो ये था कि फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी वॉज कर्टेल, मतलब जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसे कर्टेल कर दिया गया था, उसे कम कर दिया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट जो अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसमें हुआ था अबॉलिश द प्रीवी पर्सेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ द फॉर्मर रूलर्स। आई एम रियली सॉरी, अबॉलिश द प्रीवी पर्सेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ द फॉर्मर रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। मीन्स जब हम लोगों ने जब हमारे नेशन बिल्डिंग जो फर्स्ट चैप्टर था जब हम उसको पढ़ रहे थे, तब मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारा नेशन मतलब हमारे इंडिया को पूरा यूनाइट करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया था। उस टाइम पे दो तरह के एरियाज थे, एक तो डायरेक्टली जो ब्रिटिश कंट्रोल के थे वो थे, और कुछ प्रिंसली स्टेट थे जो कि जिन पे कंट्रोल तो ऑलमोस्ट ब्रिटिशर्स का होता था, पर वहाँ पर एक किंग होता था जिसकी वहाँ पर वो मतलब उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे रूल होता था। तो जब हमारे यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स को जब मर्ज करने की बात आई हमारे इंडिया में, तो उनको कुछ उनके फॉर्मर रूलर्स वो प्रिंसली स्टेट में मतलब उनको कुछ प्रिविलेजेस दिए गए, कुछ प्रीवी पर्सेस दिए गए। पर बाद में क्या हुआ, 26th अमेंडमेंट के टाइम पे ये सब प्रीवी पर्सेस एंड प्रिविलेजेस को अबॉलिश कर दिया गया। मतलब अब किसी कोई भी ऐसे किंग को कोई भी स्पेशल अमेंडमेंट मतलब स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए गए थे प्रिंसली स्टेट्स को, ठीक है। फिर होता है हमारा 31st अमेंडमेंट एक्ट 1972। 31st अमेंडमेंट एक्ट 1972 में क्या हुआ था, लोकसभा की जो सीट्स थी, लोकसभा सीट्स वर इंक्रीज्ड फ्रॉम 525 टू 545। मतलब लोकसभा की जो सीट्स थी वो 525 से 545 तक कर दी गई थी। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट था वो हमारा था 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974। द स्टेट्स ऑफ सिक्किम एज प्रोटेक्टोरेट स्टेट वॉज टर्मिनेटेड एंड सिक्किम वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब पहले जो सिक्किम था वो प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, पर बाद में इसको क्या कर दिया गया, एसोसिएट स्टेट कर दिया गया। मतलब प्रोटेक्टोरेट से हटा के इसको एसोसिएट स्टेट की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया, ठीक है। उसके बाद में 36th अमेंडमेंट में ये जो था वो फुल फ्लैश्ड स्टेट, जैसे जो अदर स्टेट थे उसी तरह ये भी, ये ना तो ये वो एसोसिएट स्टेट नहीं रहा, ये सिक्किम जो हो गया था वो फुल फ्लैश्ड स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया का एक फुल फ्लैश्ड स्टेट हो चुका था 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में। नेक्स्ट जो है वो है Empowered the Parliament to specify from time to time the limit of the limits of the territorial water, the constitutional shelves, the exclusive economic zone and the maritime zones of India. मतलब पार्लियामेंट के पास पावर थी, मतलब उसे पावर दी गई टाइम टू टाइम पर अपने टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड मैरीटाइम जोन्स जो भी था वो सब किसके, पार्लियामेंट के अंडर आ गया था। इससे रिलेटेड जितने भी डिसीजंस थे वो किसको करने थे, पार्लियामेंट को करने थे। नेक्स्ट जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो कहा जाता है, हम कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, या ये कह लो मतलब एक तरह से इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसको हम देखते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को, रिमेंबर इसको याद ज़रूर करिएगा क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है। ये आगे तक यूज़ में आने वाला है कि मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमारे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस अमेंडमेंट एक्ट में ऐड हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है, अभी तक किसी भी अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा गया, बट इसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का
वो दिया गया, नेम दिया गया, क्योंकि ये इतना, एक तो वास्ट बहुत था, बहुत सारी चीज़ें थी जो अमेंड की गई थी, सेकंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो अमेंड की गई थी। इट वाज एनएक्टेड टू गिव एन इफेक्ट टू द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। और जो इसमें जितनी भी रिकमेंडेशन थी वो किसकी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी की थी। ठीक है, अभी तक हमने किसी कमेटी के बारे में नहीं देखा, हमने और कोई नेम किसी भी अमेंडमेंट के लिए यूज़ होते हुए नहीं देखा, पर ये जो अमेंडमेंट है इसकी कमेटी भी ध्यान होनी चाहिए। स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, एंड इसी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और कभी ये हुआ था, 1976 में होता है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पता होने चाहिए। ठीक है, एडेड 3 न्यू वर्ड्स इन द प्रियम्बल, मतलब जो हमारी प्रियम्बल है जिसमें हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हम कह सकते हैं एक तरह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स हैं, जिन प्रिंसिपल्स को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है, वो सारी चीज़ें किस में दी हुई है, हमारे प्रियम्बल में दी गई है। एंड उसी प्रियम्बल में 3 न्यू वर्ड्स ऐड किए गए थे, वो थे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड्स कहाँ पर यूज़ हुए थे, प्रियम्बल में ऐड किए गए थे। ठीक है, फिर आता है, मैंने बताया था हमारा जो बेसिक, जो हमारा जो 1950 में जो हमारा ये हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन जो डिज़ाइन किया गया था, उसमें हमारे लिए कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थे। हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, पर ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया था, उसके अंदर जो सिटीज़न थे उनके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था इसके अंदर, और एक नया पार्ट ऐड हुआ था उन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए, वो है 4th A कहलाता है वो पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट था, मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। प्रेसिडेंट को बाउंड किया गया किसके लिए, कैबिनेट को एडवाइस के लिए। नेक्स्ट है, एडेड 3 न्यू डायरेक्टर प्रिंसिपल। हम लोग डायरेक्टर प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं। डायरेक्टर प्रिंसिपल इज कुछ तो हमारे फंडामेंटल राइट्स है जो इंडिविजुअल्स होते हैं। डायरेक्टर प्रिंसिपल्स वो होते हैं जो स्टेट के अंडर होते हैं, एंड स्टेट के अंदर क्या था, हम लोग डायरेक्टर प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे कि डायरेक्टर प्रिंसिपल्स क्या रहता है, कि वो 3 न्यू डायरेक्टर प्रिंसिपल्स को उसमें ऐड किया गया था। डायरेक्टर प्रिंसिपल्स वो होते हैं जो कि फंडामेंटल राइट तो हमारे इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, और डायरेक्टर प्रिंसिपल्स होते हैं जो सोसाइटी के लिए होते हैं, जो कि स्टेट्स करता है, पर वो चैलेंजेबल नहीं होते। स्टेट की इच्छा होगी तो वो करेगा, स्टेट की इच्छा होगी तो वो नहीं करेगा। ठीक है, इसके अंदर 3 न्यू डायरेक्टर प्रिंसिपल्स कौन कौन से ऐड हुए, इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब इक्वल जस्टिस का जो था इसको, मतलब इक्वल जस्टिस होना चाहिए सबके लिए, ये एक चीज़ उसमें दी गई थी। फ्री लीगल एड होने चाहिए, मतलब लीगली जो, मतलब किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो फर्स्ट फ्री लीगल एड किसको प्रोवाइड कराए, उन लोगों को प्रोवाइड कराए जो कि लीगली, मतलब वो नहीं कर सकते, मतलब क्या कहते हैं हम लोग, अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट बताया गया था कि मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ में पार्टिसिपेशन, वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें किसमें ऐड की गई थी, हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल्स में ऐड की गई थी। नेक्स्ट आया था, शिफ्टेड 5 सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट टू द कॉन्करेंट लिस्ट। एक्चुअली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ लिस्ट्स बनी हुई है, उसके अंदर लिस्ट इस हिसाब से है कि सभी स्टेट्स के लिए सेंट्रल जिन टॉपिक्स पर डिसीजन लेगी उसकी एक अपनी लिस्ट है, स्टेट की अपनी लिस्ट है, और कॉन्करेंट लिस्ट अलग है। मतलब स्टेट जिन पे डिसीजन सिर्फ स्टेट ले सकती है, दैट इज़ कॉल्ड, सॉरी, स्टेट ले सकता वो स्टेट लिस्ट कहलाएगी, जिस पे सेंट्रल ले सकती है वो सेंट्रल लिस्ट है हमारी, और कॉन्करेंट लिस्ट वो है जिस पे दोनों मिलके डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन एक क्लिक होता है हमारे माइंड में कि अगर स्टेट और सेंट्रल दोनों जने मिलकर कॉन्करेंट लिस्ट पे डिसीजन ले रहे हैं, पर अगर किसी डिसीजन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो अगर दोनों की ओपिनियन सेम नहीं हुई तब क्या होगा, तब उस कंडीशन में क्या होता है, कॉन्करेंट लिस्ट में मोस्टली क्या होता है कि सेंट्रल और स्टेट में अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो डिसीजन मेजर मेन किसका होगा, जो पावरफुल है मींस सेंट्रल का होगा। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट थे जो स्टेट लिस्ट से हटा के किस में लिए गए थे कॉन्करेंट लिस्ट में, वो कौन कौन से थे, एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स, वेट एंड मेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स। मतलब ये सारे पॉइंट्स पहले स्टेट लिस्ट, टॉपिक सारे स्टेट लिस्ट में थे, ये सारे सब्जेक्ट्स किस में थे, स्टेट लिस्ट में थे, बाद में इनको किस में लाया गया, कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है,
नेक्स्ट आता है एम्पावर्ड द सेंटर ऑफ डिप्लॉय इट्स आर्म फोर्सेज इन एनी स्टेट टू डील विद अ ग्रेव सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इसके अंदर लिया गया है कि मतलब अगर ऐसी मतलब सेंटर को पावर दी गई कि वो आर्म फोर्सेस को यूज़ कर सकती है कहाँ पे, अगर कहीं भी किसी भी स्टेट में अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हुई हुई है तो वो वहाँ पे किसको यूज़ कर सकती है, आर्म फोर्सेस को उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वो किसका यूज़ कर सकती है, आर्म फोर्स का यूज़ कर सकती है। ये पावर किसको दी गई, सेंट्रल मिनिस्ट्री को, मतलब सेंट्रल में जो हमारा पार्लियामेंट है उसको ये पावर दी गई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा जो अमेंडमेंट है ये कुल मिला के 42nd अमेंडमेंट एक्ट रहा, इसमें काफ़ी मेजर मेजर डिसीजन हुए थे इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से हमने देखा है। नेक्स्ट आता है हमारा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, एम्पावर द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक वंस द एडवाइस ऑफ कैबिनेट फॉर कंसिडरेशन बट द रिकन्सिडर्ड एडवाइस इज टू बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट को पावर दी गई कि किसी भी चीज़ मतलब किसी भी बिल को लेके या किसी भी उसको लेके वो कैबिनेट को एक एडवाइस कर सकता है, कैबिनेट को दे सकता है वो रिकंसीडर करने के लिए। मींस अगर कोई बिल आया, बिल आने के बाद में प्रेसिडेंट को लगा कि इसमें ये चीज़ ऐड होनी चाहिए या ये चीज़ कटेल होनी चाहिए, तो वो इस चीज़ के लिए एडवाइस कर सकता है किसको, हमारी कैबिनेट को, मतलब हमारी मिनिस्ट्री। ठीक है, रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस बाय आर्म्ड रिबेलन इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। जो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो वर्ड यूज होता था इंटरनल डिस्टर्बेंस बाय आर्म्ड रिबेलन, मतलब ये चीज़ें मतलब ये रिप्लेस किए गए वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज मेड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। मीन्स प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की मतलब जो हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी जो डिक्लेयर करते हैं वो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, पर वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर तभी कर सकते हैं जब उन्हें कैबिनेट रिटर्न में ये देगा, बिना रिटर्न में दिए ये कैबिनेट मतलब प्रेसिडेंट उस चीज़ को मतलब इमरजेंसी को डिक्लेयर नहीं कर सकते। डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड मेड इट ओनली अ लीगल राइट। हमने पहले बताया था कि जो फंडामेंटल राइट से उसे कटेल किया गया राइट टू प्रॉपर्टी को, एंड नेक्स्ट में क्या किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को बिल्कुल हटा ही दिया गया फंडामेंटल राइट से और इसे क्या रखा गया, ओनली लीगल राइट रखा गया, लीगल राइट रखा गया, इसको फंडामेंटल राइट से हटाया गया। नेक्स्ट आता है हमारा 52 में हमारा 10th शेड्यूल ऐड किया गया था, वाज एडेड प्रोवाइडिंग फॉर अ एंटी डिफेक्शन लॉस के लिए 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें याद होना चाहिए क्योंकि वोटिंग एज वॉज डिक्रीज 21 to 18 फॉर बोथ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। मतलब पहले जो हमारे यहाँ वोटिंग का एज था वो 21 ईयर्स था, पर 61st अमेंडमेंट 1989 के टाइम पे क्या हुआ, वोटिंग एज डिक्रीज किया गया 21 से 18, मतलब पहले 21 एज में जाके मेजर माना जाता था, जबकि 1989 के बाद में 18 पर मेजर मानने लग गए। ठीक है, सिक्सटी फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट 1990 प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटीज इन द प्लेस ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर एससी। मतलब एक मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन एस्टैब्लिश किया गया एससी एसटीज के लिए, स्पेशल ऑफिसर की जगह पूरा एक कमीशन को डिज़ाइन किया गया ताकि एससी एसटीज के लिए कुछ मतलब एससी एसटी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे उनके लिए एक नेशनल कमीशन बनाया गया, एक ऑफिसर नहीं रखा गया, पूरा एक कमीशन फॉर्म किया गया, एस्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट इज 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 अकॉर्ड अ स्पेशल स्टेटस ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली बाय डिजाइनिंग इट इज एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिल्ली को यूनियन टेरिटरी जगह क्या कहा गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का प्लेस दिया गया था। नेक्स्ट इज 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 कोकनी मणिपुरी नेपाली लैंग्वेज वर इंक्लूडेड इन द 18th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इंक्रीज टू 18। मतलब कोंकणी मणिपुरी एंड नेपाली जो लैंग्वेजेस थी वो 18th शेड्यूल में ऐड की गई और अब हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो कितनी हो चुकी थी, 18 लैंग्वेजेस हो चुकी।
नेक्स्ट इज 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन वर्ड गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, मतलब जो पंचायत राज वाला जो हमारा सिस्टम है पंचायत वाला उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया कौन से अमेंडमेंट में, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। एंड इसके लिए एक नया पार्ट 9th पार्ट जोड़ा गया, 11th शेड्यूल को ऐड किया गया ताकि जो पंचायत राज से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस होंगे वो किस में ऐड किए गए, पार्ट 9th के, पार्ट 9th एंड 11th शेड्यूल में इन सब चीज़ों को डाला गया। नेक्स्ट इज 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, अर्बन लोकल बॉडीज वर ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, मतलब जो अर्बन लोकल बॉडीज थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। एंड अ न्यू पार्ट 9A, 9th तो किसके लिए जोड़ा गया था हमारे पंचायती राज के लिए, फिर 9A जोड़ा गया किसके लिए, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। एंड 11th शेड्यूल किसके लिए था हमारा, पंचायती राज के लिए, जबकि हमारा 12th शेड्यूल किसके लिए था, 12th शेड्यूल हमारा अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए, 10th शेड्यूल हमारा लॉज से रिलेटेड था, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने उसमें देखी थी। अब आता है हमारा 86th अमेंडमेंट एक्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स में एड चेंजेस हुए थे, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी कुछ ऐड हुआ था और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी, हमारे तीनों में ऐड हुआ था, क्योंकि इस अमेंडमेंट एक्ट में जो हमारा राइट टू एजुकेशन है जो 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को दिया जाता है उसके लिए जो ऐड हुआ था वो इसी में हुआ था, और इसी अमेंडमेंट में हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो 10 से 11 हुई थी, ठीक है। देखते हैं हम लोग, मेड एलिमेंट्री एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, द न्यूली एडेड आर्टिकल 21A डिक्लेयर्स दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर इन सच मैनर्स एज द स्टेट मे डिटरमाइन, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है वो हमारे, मतलब इसको फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया एंड स्टेट के लिए ये चीज़ हो गई, मतलब कंपलसरी कर दी गई कि स्टेट को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 ईयर्स तक के जितने भी बच्चे उनको प्रोवाइड कराना कंपलसरी है, कोई भी स्टेट उस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता, ठीक है। चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इट नाउ रीड्स द स्टेट शैल एंडर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कम्प्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी एक ये चीज़ जोड़ी गई कि स्टेट को एक ड्यूटी दी गई, मतलब एक तरह से ये, मतलब ये नहीं कह सकते कि कंपल्सरी किए गए, स्टेट के से स्टेट के लिए मतलब वो दिया गया इंस्ट्रक्शन कि आप ऐसा करिए, मतलब उन्हें ऐसा करना है कि अप टू 6 ईयर्स, मतलब 6 to 14 ईयर्स तक की एजुकेशन तो कंपलसरी कर दी गई कि ये तो स्टेट को प्रोवाइड करानी करानी, पर अप टू 6 ईयर्स तक की एज तक के लिए बच्चों के लिए चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो प्रोवाइड की गई वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखी गई, ठीक है। फंडामेंटल राइट इज चैलेंजेबल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज नॉन चैलेंजेबल, ठीक है। तो 6 to 14 ईयर्स तक तो कंपलसरी है, स्टेट को कराना ही कराना पड़ेगा, पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में एक चीज़ कह की गई कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी की गुड, सोसाइटी में कुछ अच्छा करने के लिए अप टू 6 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनके लिए चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का अरेंजमेंट भी स्टेट को करना चाहिए, ठीक है, कर सकता है या करना चाहिए, पर ये चैलेंजेबल नहीं, ऐसा नहीं है अगर कोई स्टेट अप टू 6 ईयर्स के बच्चों को अगर नहीं वो कोई ऐसा चाइल्डहुड केयर देता है एजुकेशन देता है तो कोई कंपल्शन नहीं है कि आप उसको कोर्ट में चैलेंज करो। हाँ, 6 to 14 ईयर्स तक नहीं मिल रहा तो आप कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एडेड अ न्यू फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51 विच रीड्स, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज अ पेरेंट्स और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड ऑफ और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, मतलब कि एक फंडामेंटल ड्यूटी ये हो गई पेरेंट्स और गार्जियन के लिए कि जो एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई गई है उसमें कहीं ना कहीं ये लोग इसमें हेल्प करें, ठीक है। नेक्स्ट इज 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003, इंक्लूड 4 मोर लैंग्वेजेस इन 8th शेड्यूल, मतलब पहले 18 लैंग्वेजेस थी, उस 8th शेड्यूल में और लैंग्वेजेस ऐड की गई, कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाल, मतलब ये 4 लैंग्वेजेस और ऐड करके कितनी हो गई टोटल लैंग्वेज 8th शेड्यूल में हमारे, 22nd लैंग्वेजेस ऐड हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इज 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011, कॉपरेटिव सोसाइटीज वर ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, जो कॉपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया।
राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी मेड अ फंडामेंटल राइट इन आर्टिकल 19, मतलब आर्टिकल 19 के अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब फॉर्म करना फंडामेंटल राइट के अंदर आ गया था. नेक्स्ट आता है न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मतलब एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसी स्टेट के लिए आई थी 43B की कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करना है. एंड 9th B वॉज एडेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी. और 9th B एक 9th A किसके लिए आया था, 9th आया था हमारे पंचायती राज के लिए. 9th A हमारा आया था, एक मिनट, आई ऑल्सो वॉन्ट टू रिमेंबर दैट कि 9th A हमारा आया था सॉरी अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए आया था. एंड इसके बाद में हमारा जो 9th B पार्ट आया था वो हमारा आया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए. सॉरी समटाइम्स क्लिक होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम. नेक्स्ट आया हमारा 100th Amendment Act 2015 में, ठीक है. इसके अंदर क्या है, द अमेंडमेंट इज द लैंड बॉडी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. ये अमेंडमेंट लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट पर था जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ था, उससे रिलेटेड ये था, ठीक है. नेक्स्ट आया था 101. इसका काफ़ी बूम रहा था, न्यूज़पेपर्स में काफ़ी पढ़ने को मिला था, लोगों ने बहुत सारी स्ट्राइक्स कर दी, स्पेशली जो बिजनेसमैन थे उन लोगों ने. इस अमेंडमेंट एक्ट में आया था GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 101st Amendment Act 2016. ओके, नेक्स्ट अमेंडमेंट इज 102st Amendment Act 2018. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वॉज ग्रांटेड टू नेशनल कमीशन ऑफ बैकग्राउंड क्लासेस. NCBC को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कौन से अमेंडमेंट एक्ट में दिया गया था, 102st Amendment Act 2018 में दिया गया था. 103st Amendment Act 2019, ये जो अमेंडमेंट एक्ट था ये भी काफ़ी वो रहा था, डिस्कस का टॉपिक रहा था, काफ़ी अच्छा उस टाइम चला था ये, 2019 में हुआ, रिसेंटली एडेड है ये. मैक्सिमम ऑफ 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन ऑफ क्लास, मतलब जो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन जो था ना उसके लिए 10% जो रिजर्वेशन का जो प्रोविजन आया था वो इसी अमेंडमेंट एक्ट में आया था, 103rd Amendment Act 2019 में. एंड द लास्ट अमेंडमेंट अभी जो हमारा रिसेंट हुआ 104th Amendment Act 2020 में हुआ. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड रिजर्वेशन टू SC ST रिप्रेजेंटेटिव इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. दिस रिजर्वेशन वॉज प्रोवाइडेड फॉर 70 years. इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 80 years till 25th January 2030. Anglo-Indian reservation has been removed. मतलब जो सॉरी SC ST के लिए जो रिजर्वेशन था वो मतलब 70 years मतलब जो थी 80 years तक के लिए कर दिया गया रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए. एंड जो एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन था उसे रिमूव कर दिया गया. तो हमने इसमें टोटली जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं उसको हमने अब कंप्लीट कर लिया है. आपका ये जो यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशन वाला स्पेशली, उसके अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे, एंड हमारे अमेंडमेंट एक्ट थे, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है. नेक्स्ट क्लास से हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे.